शुगर मिल द्वारा किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान समय से न करने को लेकर नाराज किसानों ने शुगर मिल के स्टाफ को गाड़ी सहित बंधक बना लिया। किसानों का आरोप है कि पिछले साल से अब तक का गन्ना भुगतान नहीं हुआ है। बीजेपी सरकार के गन्ना भुगतान 14 दिन में कराए जाने के वादे और गन्ना मंत्री सुरेश राणा का गृह जनपद होने के बावजूद भी किसानों का गन्ना भुगतान न होने पर गुस्से ही किसानों ने जनपद शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र में गोगर मिल स्टाफ की दो बसों को सिकंदरापुर गांव में रोककर कर्मचारियों को बंधक बना लिया है। किसानों का आरोप है कि मिल ने पिछले साल का बाकी भुगतान और सरकार द्वारा 14 दिन में गन्ना भुगतान किए जाने के आदेश के बाद कई महीने से डाले गए गन्ने का भी भुगतान नहीं किया गया है और अब गन्ने को दूसरे किस्म का बताकर गन्ना भी नहीं लिया जा रहा है। किसानों ने मिल स्टाफ की दो बसों में सवार दो दर्जन से अधिक कर्मचारियों को बंधक बना लिया और जब तक मिल अधिकारी नहीं आ जाते स्टाफ को नहीं छोड़ने की बात कह रहे हैं। पता नहीं क्या गन्ना उन्ने का गोला फरज तो आपको रोक के क्या साबित करना चाह रहे हैं भाई? है कि बंधक बनाओ तो क्या मिल मालिक से आपकी बात हुई किसी से स्टाफ में अधिकारी आ रहे हैं? अधिकारी क्या नाम आपका? क्या ना तो पिछले साल का पेमेंट दिया ना अभी के साल का दे रहे तो कर्मचारी तो आप कर्मचारी को रोकने का क्या साबित करना चाह रहे हैं? किस लिए रोके गए हैं? किस लिए रोके गए हैं? नहीं रोके गन्ना नहीं लेते तो ये नहीं लेते मिल मालिक नहीं लेता मिल मालिक कहाँ है तो लेते नहीं भाई हम। अच्छा तो आप अधिकारियों को बुलाओगे यहाँ जब छोड़ोगे ना? अधिकारी आवाएंगे जब। क्या नाम आपका? Thank you.